आज हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न का भाग सीखेंगे कि भिन्न का भाग कैसे होता है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4/5 / 20/25। 4/5 है, क्या करूँगी 4/5 निकाल लूँ और जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ पे क्या करूँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। और 25 जो नीचे है जो अगला नंबर 20/25 हो उसको क्या करना है उल्टा। 20/25 क्या होगा ऊपर जाएगा और 20 नीचे, तो कटेगा तो काट भी सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे 4 से 20 कट गया तो 4/5 = 20 और 5 से 25 जा। अब क्या है 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी, ऊपर नीचे कटता है ना 5/5 कट गया, आंसर क्या है 1। सेकेंड देखेंगे 6/7, फिर डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इस नंबर को क्या करूँ उल्टा कर लो। तो 42 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 42 ऊपर हो जाएगा, 36 ऊपर है तो 36 क्या हो जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा। फिर कटेगा तो काट सकते हैं, 6 + 36 और 7 + 42, फिर 66 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 1 आया, यहाँ आंसर क्या आएगा 1। तीसरा क्वेश्चन 15/30, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 90 कहाँ जाएगा ऊपर और 45 नीचे। 15 × 3 = 45, 30 × 3 = 90, अब 3 कट जाएगा, 3 × 3 = 3, तैसे क्या आया 1। चौथा 4/6 × डिवाइड की साइन की जगह पर क्या लगा दी इंटू का साइन मल्टीप्लाई का साइन, फिर 30 ऊपर जाएगा उल्टा हो जाता है, डिवीजन में क्या हो जाता है नंबर्स को उल्टा कर देते हैं, फिर 90 नीचे। 0 काट सकते हैं, ऐसे कटेंगे काटेंगे 3 से 6 कट रहा है, 3 × 2 = 6, 4 से 9 नहीं कट रहा है, नहीं काट रहा है और 2 से 4 कट रहा है, देखो न्यूमरेटर और डिवीजन में दोनों ऊपर नीचे से कटेंगे, 2 × 2 = 4, आंसर क्या आया 2/9। फिर क्या है 5/8 × 48 ऊपर जाएगा और 40 नीचे, फिर 5 कटेगा, 5 + 40 = 48, कट गया 2 कटेगा 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8। अब 3 और 4 है, किसी को नहीं आता है क्या 3 और 4 नहीं आता ना, तो ये क्या हो गया आंसर। फिर क्या है 30/14 × 80 ऊपर जाएगा 150 नीचे, फिर काट दो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 3 से 15 कटेगा, 3/5 = 50, 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8, 2/5 क्या गया इसका आंसर। गुड बाय।